हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं मेथी की भाजी बना रही हूँ। इधर मैंने प्याज और हरी मिर्ची ऑयल में फ्राई कर लिया है और प्याज और मिर्ची लगभग पक गए हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एकदम इनको नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चा तो रखना ही है। अब इसके बाद इधर मैंने जो मेथी तोड़ के धो के अच्छे से दो तीन पानी में रखी हुई है, अब मैं मेथी मिला दूंगी इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा धीमी आंच पर पकने देंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे फ्रेंड्स। इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये टमाटर तो स्टीम से ऐसे ही पक जाएगा और बाद में ये बिल्कुल क्रश कर देंगे हम इसको स्पून से ही। तो मैं भाजियों में कभी कभी ऐसे ही डाल देती हूँ टमाटर। अब इसको ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे या पानी सूखने तक पकाएंगे, फिर आपकी भाजी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी कुकिंग की वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कुकिंग की वीडियोस पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स, नमस्ते, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।